हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन के सेटिंग्स पे आकर जो हमारे फ़ोन में डायल पैड ऑप्शन है तो उस पर कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप कैसे सेव कर सकते हैं गूगल अकाउंट पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो इसमें से आपको क्लिक करना होगा फ़ोन आइकन्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन आइकन्स अपने आते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं गूगल अकाउंट पे, सबसे पहले आपको कोई भी नंबर टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये नंबर आ गया। तो हम उसको गूगल अकाउंट पर सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे गूगल अकाउंट। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको जो भी नेम है फर्स्ट नेम उसको टाइप कर देना है और इसको नेक्स्ट पे करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे गूगल अकाउंट पे सेव हो जाएगा और यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप गूगल अकाउंट पे सेव कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।